कुनहेड़ गांव बैसनाथ में एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली चौविन चौक से लेकर बैसनाथ व सड्डी तक निकाली गई। ये सूरत में हुए मासूम लड़कियों के साथ गैंगरेप के विरोध में न्याय मंच के बैनर तले रैली का आयोजन किया गया, जिसमें SFI बैसनाथ, पालमपुर, धनेड़, हरेड़, नौरी के महिला मंडलों इत्यादि ने इस रैली में देश में बढ़ रहे दुराचार के मामलों, सामाजिक संस्था सद्भावना सिट्टू के उपप्रधान वीरेंद्र कुमार लेखराज, बिट्टू व अन्य लोगों ने भाग लिया। रैली में बैसनाथ के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग से दुराचार को लेकर भी जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। बैजनाथ ब्लॉक में जहाँ पर बच्चियाँ, जहाँ पर लड़कियाँ, ITI है, कॉलेज है, स्कूल है, सारे स्टूडेंट बाहर निकले, ऐसे अत्याचार के लिए, इन बलात्कारों पे आवाज उठाने के लिए जो हमारे आसपास घट रहे हैं, आशिमा हमारे लिए एक बहाना है। आशिमा है, दामिनी है, आसिफा है, दामिनी है, वो हमारे लिए बहन है। अभी एक साथी हमारे बोल कर गए कि हमारे साथ में ही लगता जो गांव है कुनेड़, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी घर में बैठे जो दरिंदे हैं, जो बाप है, जो भाई है, जो दादा है, जो चाचा है, जो मामा है, वो जो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, बच्चियों के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, बच्चियों के साथ जो घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उनसे कौन निपटेगा? महिलाएं निपटेंगी,